क्या आपको भी इन चारों वर्ड्स के बीच में उतना ही कंफ्यूजन हो रहा है जितना मुझे हो रहा है? तो आज हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहला वर्ड है थॉट। थॉट का मतलब होता है सोच या सोचना। आई थॉट ऑफ द सेम थिंग, मैंने भी सेम चीज के बारे में सोचा। सेकेंड वर्ड है दो। दो का मतलब होता है यद्यपि या फिर भी। इवन दो आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, आई स्टिल गिव इट अ ट्राई। मैं इंग्लिश में अच्छी नहीं हूँ, फिर भी मैं इसमें ट्राई करती हूँ। थर्ड वर्ड है थ्रू। थ्रू का मतलब है किसी व्यक्ति, सिचुएशन या वस्तु के द्वारा। आई विल गेट थ्रू दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगी। फोर्थ और लास्ट वर्ड है थोरो। थोरो का मतलब होता है विस्तार से। मैंने अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ ये टॉपिक विस्तार से डिस्कस किया। आई डिस्कस दिस टॉपिक विथ माई पर्सनल ट्रेनर थोरोली। अगर आपको ऐसे ही कुछ और वर्ड्स में कन्फ्यूजन है तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए।